सत श्री अकाल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही मज़े कर रहे होंगे, मज़े ले रहे होंगे इस मॉनसून के। तो आज हमारे पास जो फ्रेगरेंस है वो पार्क एवेन्यू की तरफ से है, नाइट और दे परफॉर्म है, 100 ml की बॉटल है। तो एक बार इसके बॉक्स पे नज़र डाल लेते हैं। ब्लैक कलर का डिसेंट सा बॉक्स है, ऊपर नाइट लिखा हुआ है और दे परफॉर्म 100 ml, साइड पर लिखा हुआ है द वुडी मिस्टीरियस ऑफ सिडारवुड एंड मस्क, जो कि इसमें बताया गया कि इसकी जो खुशबू है सिडारवुड और मस्क की खुशबू है। पीछे डिटेल्स, MRP जो है 499 है, लेकिन ये मिंत्रा से भी ऑफर में मिल गया था, 250 के अंडर अंडर मुझे मिल गया है, तो यही इस पर ऑफर चल रहा है। तो चलिए एक बार इस डिसेंट से बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं और जो मेन चीज़ है बॉटल उस पर नज़र डालते हैं। तो अनबॉक्स करने पर ये बहुत ही प्यारी सी स्क्वेयरिश बॉटल हमारे सामने आई है, जो कि ब्राउन कलर में है, पार्क एवेन्यू और नाइट इसके ऊपर लिखा हुआ है, ब्लैक कलर की कैप है। ये बॉटल वैसी है जैसी कि बेला वीटा की आती है या फिर विलेन की बॉटल आती है, बड़ी सॉलिड लगती है और देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो बॉटल तो अट्रैक्टिव है ही, तो क्या इसके अंदर जो परफ्यूम है उसकी लास्टिंग और परफॉर्मेंस भी अट्रैक्टिव है, ये हम जान लेते हैं। इसे मैंने अभी 2 दिन इस्तेमाल किया, उसके बाद जो आपको बताऊंगा उस नतीजे पर पहुंचा हूं। एक बार पहले कैप हटा के एटमाइजर पर नज़र डाल लेते हैं और वो जूस कैसा निकालता है ये भी देख लेते हैं। जूस तो काफ़ी अच्छा निकाल देता है एक ही बार में। तो जब इसे आप अप्लाई करेंगे, सबसे पहले बहुत ही प्यारी सिट्रसी सिनेमन टाइप की खुशबू आपको आएगी, बरगमो और सिनेमन जिसमें डोमिनेंट रहेगा। इसमें सिडारवुड और मस्कीटोन भी है बेस में जो सेटल होगा, लेकिन सिनेमन थ्रू आउट इसमें आपके रहेगा। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है इसकी, लेकिन लास्टिंग के से जो है उससे मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ। लास्टिंग इसकी नहीं है, 1.5 से 2 घंटे से ऊपर तक की नहीं है, चाहे आप क्लोथ पे लगाएं चाहे आप अपनी स्किन पे लगाएं, लेकिन 1.5 से 2 घंटे से ऊपर की नहीं है, आपको रीअप्लाई करना ही पड़ जाएगा आप चाहे जहां भी जाएंगे। मुझे काफ़ी डिसअपॉइंट किया इसकी लास्टिंग ने, मैंने जो उम्मीद करी थी उस हिसाब से नहीं निकला। ये खुशबू नो डाउट अच्छी है, जिन्हें सिनेमन टाइप खुशबू अच्छी लगती हैं यानी कि दालचीनी वाली, उनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन लास्टिंग में थोड़ा इशू है। तो ये किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, ऑफिस के लिए आप बना सकते हैं, जिम के लिए इतना बढ़िया नहीं रहेगा, ऑफिस के लिए ठीक है, फॉर्मल मीटिंग्स वगैरह के लिए ठीक है। तो एक डिसेंट, वैसे डिसेंट अच्छी खुशबू है, पार्क एवेन्यू जाना जाता है अपनी डिसेंट फ्रेगरेंसेस के लिए, फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है लेकिन लास्टिंग नहीं है, तो मैं इसे इतना रिकमेंड नहीं करूंगा। फिर भी ठीक है, अगर वन टाइम बाय आप करना चाहते हैं, एक अच्छी सिनेमन टाइप खुशबू लेना चाहते हैं तो ठीक है। बाकी और कुछ खास नहीं है इसके बारे में बताने के लिए। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो शॉर्ट में जो है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज़।